विजयनगर में नेशनल हाईवे 79 पर एक कंटेनर में 68 गोवंश को ठूस ठूस कर भरकर गो तस्कर परिवहन करने की सूचना पर पुष्कर के गोरक्षकों ने नसीराबाद पुलिस को सूचना दी। नसीराबाद पुलिस और गोरक्षकों ने ट्रक का पीछा किया तो तस्करों ने बांधनवाड़ा टोल के पास गो सेवकों पर गोलियां चलाई और ट्रक छोड़कर भाग निकले। नसीराबाद पुलिस ने गोवंशों को बाड़ी माता गौशाला में सुपुर्द किया जिसमें 68 गोवंश में से एक गाय की दम घुटने से मौत हो गई। नसीराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करों की जांच शुरू कर दी है। नवभारत समाचार विजयनगर अजमेर से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। कल रात को हमें सूचना मिली कोटा चौराहे से कोई गो तस्करी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुष्कर से गोरक्षा दल की टीम, बजरंग दल की टीम और मगरा से हमारे महाराणा प्रताप गौशाला की टीम, अजमेर से कंडी सेना की टीम मौके पर पहुंची जहां वो एक कंटेनर में गायब भर रहे थे। हमने उनके बीच में गाड़ी दबाई और 30 से 40 किलोमीटर गाड़ी दबने के बाद में हमने उनको रोका अपने बांदरवाड़ा टोल पे। रोकने पर उन्होंने हम पे फायर किया, 3 से 4 हमारे पे फायर किया। उसके बाद में सामने गाड़ी अपनी डिवाइडर में टकरा कर फायर करके वहाँ से भाग निकला। कंटेनर में 60 से 65 गाय निकली है जिसमें से एक मरते। मेरा नाम बजरंग दल संयोजक भुवनेश्वर पाठक पुष्कर से। बाईस साल 2020 को रात्रि करीब 1 बजे भुवनेश्वर पाठक पुष्कर निवासी का जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि कोई गोवंश का ट्रक जड़वासा के पास में रोक रखा है। मौके पहुँचे जहाँ ट्रक डिवाइडर के साइड में खड़ा था, उसको खोल के देखा तो उसमें गाय गोवंश भरी हुई थी, जिसको फिर मौके से ट्रक के ड्राइवर भाग गए थे। तो मौके से दूसरे ड्राइवर की मदद से यहाँ विजयनगर में बाड़ी गौशाला पर लेकर आए, जिनको यहाँ सपोर्ट किया पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम शंकर सिंह है, नसीराबाद सदर।